आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार और मैं हूं रवि टुन्ना। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 मार्च को आरोग्य वैभव फाउंडेशन द्वारा नारी हित को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट कैंसर और यूटरस कैंसर के ऊपर एक फ्री अवेयरनेस कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन मीरा रोड ईस्ट के रामदेव पार्क स्थित वैभव योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर में किया गया। इस अवेयरनेस कैंप में मुख्य वक्ता के रूप में आए ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर सुरेखा मिचेरी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना शर्मा द्वारा वहां उपस्थित महिलाओं को कैंसर के बारे में जानकारी दी गई और जागरूक भी किया गया। इस फ्री अवेयरनेस कैंप की ऑर्गेनाइजर थी आरोग्य वैभव फाउंडेशन की नीता सोनावने। इसके साथ ही इस कैंप में योगा के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखकर अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिसमें उज्जवल भारत समाचार की सब एडिटर एंकर खुशबू को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं उज्जवल भारत समाचार की सब एडिटर एंकर खुशबू के पास, जिन्होंने सम्मानित होने के बाद इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग भी की और बात की कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और वहां आए अतिथियों से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीता, जो कि आरोग्य वैभव फाउंडेशन के फाउंडर है। हम उनसे बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का जो कार्यक्रम है बहुत ही जरूरी है महिलाओं के लिए और स्पेशल महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि काफी महिला लोग नहीं जानती थी इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू सो मच। फर्स्ट तो आरोग्य वैभव फाउंडेशन की तरफ से इस अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं, पर इस बार का महिला दिन का मुझे विशेष करना था कि सारी महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत, मैं योगा टीचर होने के कारण डेली के 200 से 250 स्टूडेंट मेरी महिलाएँ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन सबको ये चीज़ें पता हो और उनके साथ साथ आज के प्रोग्राम में 250 के ऊपर लोग आए हुए हैं, लेडीज़ आई है और उन्होंने ये फ़ायदा लिया है। जो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, आज की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने के बाद सारी महिलाएं जागरूक हो जाती है, अपने खुद के प्रति जागरूक होती है और छोटी भी चीज़ कुछ भी हेल्थ के ऊपर हो जाती है तो वो तुरंत ध्यान देना शुरू कर देती हैं, ये फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रसन्ना, जो कि वो खुद एक आरोग्य वैभव फाउंडेशन के फाउंडर है। सर आपने बहुत अच्छी गीत गाई जो कि सब लोग को बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक गाने के गाना गाकर एक बहुत अच्छा योगा सिखाया गया इनडायरेक्टली लोगों को, तो वो भी एक तरीका बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें लोगों के पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत बार हमें अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मनोरंजन का भी सहारा हमें लेना पड़ता है और इस हाँ महिला दिवस के अवसर पे, क्योंकि आज 8 मार्च को महिला दिवस नहीं था, होली था तो सब लोग बिजी थे, तो क्या कहना चाहेंगे छोटा सा संदेश महिलाओं के लिए? मैं आपसे पूछूंगी क्या महिलाओं को संदेश देना चाहिए? मैं चाहूँगी कि हर महिला पहले तो जागरूक हो जाए और खुद के प्रति अपना समय निकाले। कुछ समय सुबह से लेकर रात तक हम सारी महिलाएं परिवार के लिए सबके लिए करती रहती है, पर खुद के प्रति थोड़ा भी समय निकाले, हेल्थ के बारे में योगा करे, जिम करे, वॉक करे, कुछ भी करे, पर 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाले और अपने आप को फिट रखे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मौजूद डॉक्टर रचना से, जो कि खुद एक MBBS है और गायनोकोलॉजिस्ट है। मैम सबसे पहले आप पे बहुत अच्छा और लोगों को अवेयर किया, बहुत अच्छी बातें समझाई जो कि शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
यस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ये और फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, जिससे मोर एंड मोर पीपल शुड गेट अवेयर ऑफ दिस थिंग। और जैसा मैंने बताया कि ये कम्प्लीटली 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो इसको तो 100% प्रिवेंट होना ही चाहिए। तो हमारे साथ एक और MBBS डॉक्टर मौजूद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, हमारे दर्शक देख रहे हैं? यही कि ब्रेस्ट कैंसर फुल्ली क्यूरेबल है इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महिला अवेयर होगी तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और महिला की जान बच सकती है, इसलिए हमने आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम लिया। जी, तो आपने सुना डॉक्टर रचना को और डॉक्टर सुरेखा मैम को, बहुत ही अच्छी बातें बताई सभी आज के स्पेशल डे इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पे। और हम आपको उज्ज्वल भारत समाचार की ओर से, मैं खुशबू, आप सभी दर्शकों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तक लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप जुड़ रहिए हमारे उज्जवल भारत समाचार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।